ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आक्रोश, ममता सरकार के विरोध में सड़क पर उतरी भाजपा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गवासी पंडित नवल किशोर शर्मा की पुण्यतिथि पर पीसीसी में हुआ कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा दिवाली पर नौकरी का तोहफा, सरकार ने भेजे खेल मंत्रालय को 30 खिलाड़ियों के नाम। शिक्षा विभाग में स्कूलों को फिर से खोले जाने को लेकर विचार मंथन जारी, राज्य में गाइडलाइन तैयार करने पर हो रहा विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वामित्व योजना के तहत 763 गांव के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण भूमि स्वामित्व सुधार के रूप में किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण संपत्ति मालिकों के वित्त में सुधार होगा। इसके अलावा सालों से चला आ रहा संपत्ति विवाद भी खत्म होगा, जो कभी कभी दशकों तक चलता है। इन टाइटल दस्तावेजों की मदद से उनके धारकों को ऋण लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने में भी मदद करेगा। वर्तमान में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इन टाइटल दस्तावेजों को 24 अप्रैल को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व परियोजना के तहत सौंपा जाएगा और 2024 तक 6.40 लाख गाँवों की सभी आबादी क्षेत्रों का नक्शा तैयार किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने तबलीगी जमात से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। अदालत में दायर की गई याचिकाओं में तबलीगी जमात के खिलाफ फर्जी खबर प्रसारित करने और निजामुद्दीन मरकज की घटना को सांप्रदायिक रूप देने का आरोप लगाकर टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब तबलीगी जमात की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि वे अपने हलफनामे में किसी भी तरह का टालमटोल करने के लिए स्वतंत्र है, जैसे कि आप कोई भी तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से दायर कपटपूर्ण हलफनामे को लेकर उसकी खिंचाई की। अदालत ने कहा कि इसे किसी कनिष्ठ अधिकारी द्वारा दायर किया गया है। इसमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अभिप्रेरित रिपोर्टिंग के एक भी मामले को विशिष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज भाजपा ने सड़क पर उतरकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी कोलकाता में जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ना बना चलो आंदोलन करते हुए सचिवालय की तरफ बढ़े और भाजपा के प्रदर्शनों को देखते हुए विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसके साथ ही उन पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस बल का भी सहयोग लिया गया। ऐसे में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के भीतर डर है, इस कारण वह विरोध के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को भी नकारने लगी है। राज्य सचिवालय को बंद कर दिया गया है। जहां तक मोदी जी या भाजपा की बात है तो हमें टीएमसी या ममता बनर्जी से किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बिहार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से एक नया गठबंधन बना है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, मायावती की बसपा के अलावा समाजवादी दल, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक पार्टी, सोशलिस्ट शामिल है। नए अलायंस ने उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता घोषित किया है और कुशवाहा के नेतृत्व में ही यह फ्रंट चुनाव लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को इस ग्रैंड अलायंस का सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, देवेंद्र यादव मौजूद रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान घोषणा की कि फ्रंट के संयोजक देवेंद्र यादव होंगे और सभी दल एक साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐलान किया कि इस अलायंस के मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होंगे। ओवैसी ने कहा कि पिछले 15 सालों में बिहार का कोई विकास नहीं हुआ, बिहार की जनता में घुटन हो रही है, बिहार में नया विकल्प देने की कोशिश है। कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आ सकती है। विश्व बैंक ने यह अनुमान जाहिर किया। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों व लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है।
विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सालाना बैठक से पहले जारी हालिया दक्षिण एशिया आर्थिक केंद्र बिंदु रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में 2020 में 7.7% की आर्थिक गिरावट आने की आशंका जाहिर की है। इस क्षेत्र में पिछले 5 साल के दौरान सालाना 6% के आसपास की वृद्धि देखी गई है। WHO, यूनिसेफ और उनके सहयोगी संगठनों ने चेतावनी जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी में गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ के लिए पहले से खतरा बढ़ गया है। WHO ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि कोरोना महामारी बढ़ी तो हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चा पैदा होगा और हर साल 20 लाख से भी ज्यादा स्टील बर्थ के केस सामने आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मामले विकासशील देशों से जुड़े होंगे। WHO ने प्रकाशित रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि प्रत्येक वर्ष करीब 20 लाख शिशु मृत पैदा होते हैं और ये मामले ज्यादातर विकासशील देशों से जुड़े हैं। फेसबुक ने कहा है कि इस वर्ष अमेरिका में होने वाले चुनाव किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हों, इसलिए उसने नए नियम बनाए हैं। नियम फेसबुक को ऐसे उम्मीदवारों से निपटने में मदद करेंगे जो आधिकारिक परिणाम आने से पहले ही अपनी जीत की घोषणा करने लगते हैं। इस सिलसिले में 3 नवंबर को चुनाव होने के बाद फेसबुक की सभी राजनीतिक विज्ञापनों को रोकने की योजना है। यह पाबंदी 1 सप्ताह तक जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन फेसबुक का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। फेसबुक ने ऐसे पोस्ट की पहचान करने की भी योजना बनाई है जो चुनाव के नतीजों पर शंका पैदा करने वाले होंगे और इसके लिए आधिकारिक सूचनाओं को साझा करते होंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गवासी पंडित नवल किशोर शर्मा की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने स्वर्गवासी शर्मा के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जुटे कांग्रेस जनों ने देश सेवा और कांग्रेस की मजबूती के लिए स्वर्गीय शर्मा के किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर स्वर्गवासी पंडित नवल किशोर शर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल स्वर्गवासी श्री पंडित नवल किशोर शर्मा जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन किया। गौरतलब है कि स्वर्गीय शर्मा ने लंबे राजनीतिक जीवन में PCC अध्यक्ष के साथ केंद्र में मंत्री और राज्यपाल जैसे पदों पर भी काम किया। ऐसे में चिंता है, लोगों से आग्रह करेंगे, चुनाव में जाना पड़ा तो चुनाव में जाएंगे, फिर भी लोगों से आग्रह करेंगे मास्क लगाए, कोरोना से बचे, खुद बचे और अपनों को बचे। अभी तो फैसला है, सारे पहलुओं पर विचार करके अगर ऐसा लगता है कि कुछ रिलीफ मिल सकता है तो कोर्ट में जाने के लिए सरकार सोच सकती है, लेकिन अगर बिल्कुल ही लगता है रिलीफ नहीं मिलता तो फिर चुनाव में जाने के लिए हम तैयार। लेकिन स्थिति थोड़ी चिंताजनक है और ऐसे स्थिति में लोगों को बचाना सरकार के पास बड़ी प्राथमिकता है। प्रदेश के खिलाड़ियों को दिवाली पर प्रदेश सरकार नौकरियों का तोहफा देने जा रही है। इसे लेकर खेल विभाग ने 30 खिलाड़ियों के नाम सरकार को भेजे हैं। वहीं ए व बी कैटेगरी के 30 खिलाड़ियों के नाम पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने मुहर लगा दी है। मुहर के बाद इन नामों की फाइल मुख्य सचिव को भेज दी गई है। प्रदेश में पहली बार खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलेगी। ऐसे में मुख्य सचिव द्वारा मुहर लगने के बाद खिलाड़ियों को नौकरी मिल जाएगी। कोरोना काल में केंद्र सरकार से स्कूल खोलने की मिली छूट के बाद राज्य सरकार भी इसे लेकर कवायद में जुटी है। शिक्षा विभाग स्कूलों को फिर से खोले जाने को लेकर विचार मंथन कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अभिभावक किसी भी हाल में विद्यार्थियों को स्कूल भेजने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। इसके साथ ही शिक्षक भी मौजूदा हालातों को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की चिंता जता रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से सभी स्कूल खोलने की छूट दे दी है। हालांकि राज्य सरकार की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक 31 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है, लेकिन इसके आगे स्कूल किस प्रकार खुलेंगे इसे लेकर शिक्षा विभाग विचार मंथन कर रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की माने तो इसे लेकर राज्य में भी गाइडलाइन तैयार करनी होगी, इस पर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खास खबरें, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।